हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ड्वेन जॉनसन की टॉप 10 फिल्मों के बारे में। कुछ लोग इनको दी रॉक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पर्सनली बात करूँ तो ये मेरे फेवरेट एक्टर हैं। मुझे तो इनकी सारी फिल्में काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिनमें से टॉप 10 चार्टना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको से जिन 10 फिल्मों के बारे में बात करूँगा, ये फिल्में आपको काफ़ी पसंद आएंगी और इनमें से ज़्यादातर फिल्में हिंदी में भी दब हैं। तो वीडियो पर आगे तक बने रहना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स होप्स एंड सो। दोस्तों, मूवी 2019 में आई थी, एक्शन बडी कॉप मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 16 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 67% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, ये फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज की तरफ से प्रेजेंट की गई है। इस फिल्म में फास्ट एंड फ्यूरियस के करेक्टर होप्स एंड सो की स्टोरी को दिखाया है। इस फिल्म का बजट था $20 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $76 करोड़। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है दी रन डाउन। दोस्तों, मूवी 2003 में आई थी, एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 45 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 69% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.7 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस फिल्म में बैग एक बाउंटी हंटर रहता है जो एमेजोन जंगल जाता है अपने बॉस के बेटे को लाने। अब वहाँ उनको कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पीटर बर्ग। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है सैन एंड्रियास। दोस्तों, मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 54 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 49% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.1 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म को रेटिंग कम मिली हुई है लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी है। ये एक डिसेस्टर मूवी है। इस फिल्म में अर्थक्वेक की वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। अब रे, जो कि एक रेस्क्यू चॉपर पायलट रहता है, वह अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी को कैसे बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म का बजट था $11 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $47.4 करोड़। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है सेंट्रल इंटेलिजेंस। दोस्तों, मूवी 2016 में आई थी, एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 56 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 71% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.3 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में जोइनर का जीवन बदल जाता है जब उसका क्लासमेट बॉब स्टोन उसकी लाइफ में आता है। बॉब स्टोन उसे एक मिशन पर ले जाता है। कौन से मिशन पर ले जाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस, अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफी पसंद आएगी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है ग्रीड डायरन गैंग। दोस्तों, मूवी 2006 में आई थी, एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 6 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 42% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस फिल्म में सीन पोर्टर की स्टोरी को दिखाया है। ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है। अगर आपको स्पोर्ट्स फिल्म पसंद है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फिल जोनो। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है पेन एंड गेन। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी, एक एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 9 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 56% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की कास्ट में है मार्क वेलबर्ग, एंथोनी मैकी और ड्वेन जॉनसन। दोस्तों, इस फिल्म में डैनियल अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे के लिए एक बिजनेसमैन को किडनैप करता है। अब आगे उनको कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं माइकल बे। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है रैम्पेज। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 55 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 51% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.1 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, ये एक मॉन्स्टर मूवी है। अगर आपको मॉन्स्टर मूवी पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस फिल्म में डेविस अपनी टीम के साथ मिलकर एक गोरिल्ला को बचाने की कोशिश करता है। अब वह किससे बचाता है, अब वह उस गोरिल्ला को किस चीज़ से बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है जुमानजी वेलकम टू दी जंगल। दोस्तों, मूवी 2017 में आई थी, कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 59 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 76% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। तो इस फिल्म में 4 स्टूडेंट मैजिकल वीडियो गेम खेलते रहते हैं लेकिन अचानक वह गेम के अंदर जुमानजी के जंगल में चले जाते हैं।
अब वे रियल वर्ल्ड में आने के लिए क्या क्या करते हैं जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म का एक और सिक्वल है जुमांजी नेक्स्ट लेवल, जो कि 2019 में आया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है मोना। दोस्तों मूवी 2016 में आई थी, एक फैमिली म्यूजिकल मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 53 मिनट। इस फिल्म को रोटन टोमेटोज की तरफ से 95% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.6 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों एक एनिमेटेड मूवी है, जहां पर भी एनिमेटेड फिल्मों की बात होती है इस फिल्म का नाम जरूर आता है। मैं तो इस फिल्म के बारे में आपसे यही कहूंगा, अगर आपको एनिमेशन पसंद है तो आपको ये फिल्म काफ़ी पसंद आएगी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है फ्यूरियस 7। दोस्तों मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 20 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 82% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.1 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों ये फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज की सबसे बेस्ट मूवी रही है। इस फिल्म में सॉस ब्रदर बदला लेता है। अब किससे बदला लेता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपको एक्शन फिल्म पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स वान। तो ये थी हमारी ड्वेन जॉनसन की टॉप 10 मूवी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसी फिल्म से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।